बीए थर्ड ईयर में। आज हम आपको अगला थिंकर पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है जॉन लॉक। ब्रिटेन का महान दार्शनिक रहा है, उदारवाद का प्रतिनिधि रहा है, उदारवाद की आत्मा जॉन लॉक में निवास करती है। जॉन लॉक से पूर्व जो उदारवादी रूप रहा है, उसका रूप परंपरागत उदारवाद रहा है। और जॉन लॉक, जिसको हम उदारवाद का श्रेष्ठ व्याख्याकार मान रहे हैं, इसका उदारवाद कैसा है? आधुनिक उदारवाद है। तो लॉक ब्रिटेन का दार्शनिक रहा है। लॉक से पूर्व का जो उदारवादी विचारक, जिसमें कौन कौन से नाम आते हैं? जेम्स मिल है, थॉमस पेन है, इसके अलावा एक नाम और भी है, जेफरसन। तो जेफरसन हुआ, थॉमस पेन हुआ, और एक विचारक है अपना जेम्स मिल। ये जॉन लॉक से पूर्व हुए उदारवादी विचारक हुए, लेकिन इनका उदारवादी दृष्टिकोण प्रारंभिक उदारवादी है, परंपरागत उदारवादी है। और इस परंपरागत उदारवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल तो दिया गया है, लेकिन इसका जो रूप रहा है वो नकारात्मक रहा है। कैसा रहा? नकारात्मक। और आधुनिक उदारवाद का जो रूप हम देखेंगे वो रहा है सकारात्मक। इसमें व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता है, और आधुनिक उदारवाद में व्यक्ति को स्वतंत्रता तो है, लेकिन वो सीमित स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका जो रूप है वो सीमित है, परंपरागत का जो रूप है वो असीमित है। अब इस परंपरागत उदारवाद में ये माना गया है कि राज्य को सिर्फ दो ही काम करने चाहिए, एक तो बाहरी आक्रमण से रक्षा करनी चाहिए, एक आंतरिक शांति व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए, इसके अलावा और कोई कार्य नहीं करने चाहिए, ऐसा इसमें माना गया है। यानी इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं है, असीमित स्वतंत्रता है। यहाँ स्वतंत्रता है, यहाँ राज्य को शक्तियां प्राप्त हैं, और राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमा लगा सकता है, ऐसा इस लॉक के उदारवाद में बताया गया है। तो ये तो बात रही उदारवाद की, कि उदारवाद जो कि एक विचारधारा है, और जॉन लॉक उसका क्या है? एक सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो जॉन लॉक रहा, उसका जन्म 1632 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ, और 1704 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। जब जॉन लॉक 10 वर्ष का था, तो उस समय क्या है कि ब्रिटेन में एक गृह युद्ध की स्थिति आ गई। यो मान के चले एक संसद के बीच और राज्य पक्ष के बीच, या यो कहें कि राजा के बीच और संसद के बीच संघर्ष की सी स्थिति आ गई, जो कि इंग्लैंड के गृह युद्ध के रूप में जानी जाती है। यह गृह युद्ध लगभग 7-8 वर्ष तक वहां चलता रहा। और इसमें हुआ क्या था, देखो विद्यार्थियों, इसमें जनता की विजय हुई। जो गृह युद्ध हुआ, जनता के बीच, एक तरीका से यूं मान लें कि राज्य पक्ष के बीच और संसद के बीच जो हुआ, इसमें संसद की एक तरीका से जीत हुई और राजा की हार हुई, राज्य पक्ष की हार हुई। और जो उस समय का जो राजा था, स्टुअर्ट राजवंश का जो राजा था, उसको पद त्याग करना पड़ा, और उसकी जगह एक व्यक्ति क्रॉमवेल नाम का व्यक्ति क्या है, लोकतंत्र का समर्थक बना। लोकतंत्र के रूप में सत्ता बदल गई, संसदीय शासन आ गया। इंग्लैंड में कौन सा शासन आ गया? पूर्णतः संसदीय शासन आ गया, और लोकतंत्र की स्थापना हो गई। क्रॉमवेल क्या है, संसदीय शासन का प्रमुख बन गया। अब होता क्या है कि 88 में, यानी 1688 ईस्वी में इस क्रॉमवेल की मृत्यु हो जाती है। और फिर इसके बाद वहां डामाडोल की स्थिति आ गई कि अब वहां लोकतंत्र को रखा जाए या संसदीय शासन को रखा जाए। तो क्या हुआ था कि जैसे ही इस क्रॉमवेल की मृत्यु हुई, तो जो पहले वाला राजवंश था, जो स्टुअर्ट राजवंश था, स्टुअर्ट राजवंश के व्यक्ति को क्या है, इसका जो उत्तराधिकारी बनाया गया था, स्टुअर्ट राजवंश का उत्तराधिकारी बनाया गया था। और यूं मान के चलो कि ये क्रॉमवेल का शासन खत्म हो गया, और इंग्लैंड में दोबारा से क्या आ गया, राजतंत्र आ गया। कौन सा शासन आ गया? राजतंत्र आ गया। स्टुअर्ट राजवंश के जो व्यक्ति थे, चार्ल्स द्वितीय, स्टुअर्ट राजवंश के व्यक्ति को इसमें बुलाया गया था, और चार्ल्स द्वितीय नाम के व्यक्ति क्या है, राजा बन गए। चार्ल्स द्वितीय का ही उत्तराधिकारी था अगला जो व्यक्ति राजा बना, कहने का मतलब, उसका नाम था जेम्स द्वितीय। क्या नाम था? जेम्स द्वितीय। तो क्या था, पहले क्रांति हुई। क्रांति में क्या हुआ था कि जो क्रांति हुई थी, गृह युद्ध हुआ था, उस गृह युद्ध में
राजवंश स्टुअर्ट राजवंश खत्म हो गया और क्रॉमवेल की स्थापना आ गई, क्रॉमवेल के नेतृत्व में लोकतंत्र आ गया, लेकिन क्रॉमवेल की मृत्यु हो गई और इसके बाद क्या हुआ, दोबारा से वहाँ राजतंत्र आ गया और स्टुअर्ट वंश के जो व्यक्ति थे चार्ल्स आदित्य इनको राजा बना दिया गया। इसके उत्तराधिकारी थे जेम्स आदित्य। जेम्स आदित्य के शासनकाल में क्या हुआ था, अधिकार को लेकर के, अधिकार मानव अधिकारों को लेकर के, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर के एक बिल विधेयक संसद में लाया गया। राजा जो जेम्स आदित्य था उसके खिलाफ था, वो नहीं चाह रहा था कि ये विधेयक पारित हो। तो क्या हुआ कि एक नए व्यक्ति को, हॉलैंड के राजकुमार विलियम को बुलाया गया और जेम्स आदित्य को तो हटा दिया गया और इसकी जगह पर राजा किसको बना दिया गया था, हॉलैंड के राजकुमार विलियम ऑफ राइट्स, विलियम को, हॉलैंड के राजकुमार विलियम को राजा बना दिया गया था। विलियम के समय में क्या है, इंग्लैंड में एक अधिकार पत्र पारित हुआ जिसमें बिना किसी खराबे के, खून खराबे के, बिना किसी हिंसा के संसद के अधिकार बढ़ा दिए गए और राजा के अधिकार कम कर दिए गए, छीन लिए गए। कहने का मतलब यह है, इंग्लैंड में ये जो परिवर्तन हुआ था, संक्रमणकालीन दौर आया था और इसको नाम दिया गया था इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति। क्या नाम दिया गया था, गौरवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति, इसी को कहते हैं ग्लेशियर। क्योंकि ये जो परिवर्तन हुआ राजतंत्र से जो लोकतंत्र आया वहां फिर से दोबारा से एक तरीका से ये मान लीजिए, क्योंकि जो पहले का जो लोकतंत्र आया था वो कुछ समय ही रहा था, करीब करीब जो माने 11 वर्ष तक रहा था। इसके बाद दोबारा वहां संसदीय शासन खत्म हो गया और दोबारा से लोकतंत्र की स्थापना वहां नहीं रही और दोबारा से राजतंत्र आ गया। लेकिन ये राजतंत्र आगे चल करके 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से राजतंत्र का खात्मा हो गया और दोबारा से लोकतंत्र आ गया और बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से राजा के अधिकार कम कर दिए गए, छीन लिए गए और लोकतंत्र की स्थापना हो गई, संसदीय शासन बन गया। तो ये तो हमने कुछ बात वो बताई है कि इंग्लैंड में ये गौरवपूर्ण क्रांति हुई, उस गौरवपूर्ण क्रांति का जो समर्थक रहा है जॉन लॉक रहा है। जॉन लॉक के समय में क्रांति हुई, जॉन लॉक इस उदारवाद का जनक है, साथ ही साथ सीमित राजतंत्र का समर्थक रहा है। वो राजतंत्र को हटा देना चाहता है और ऐसे नहीं चाहता है कि राजतंत्र के पास अपार शक्तियां हो, शक्तियां तो हो रही लेकिन वो सीमित होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार से जॉन लॉक जो कि इंग्लैंड का दार्शनिक रहा है, इसके समय में क्रांति हुई और क्रांति से इंग्लैंड में संसदीय शासन की स्थापना हो जाती है। तो ये तो वहां की व्यवस्था के बारे में कि वहां किस प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, परिवर्तन हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि जॉन लॉक जो रहा है, इस जॉन लॉक ने क्या है, एमए की थी, एमए की तक की पढ़ाई की, इसके बाद वो टीचर बने, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपना व्यवसाय छोड़ दिया, उनको रास नहीं आया शिक्षक पद, उनको रास नहीं आया और उन्होंने क्या है एक चिकित्सक से यो मान लो कि डॉक्टरी करना सीख लिया। 2 वर्ष तक उन्होंने प्रशिक्षण लिया और वो डॉक्टरी का काम करने लगे, चिकित्सक का काम करने लगे और एक अच्छे चिकित्सक भी बन गए। आगे चल करके जब यहाँ क्रांति हो गई और गौरवपूर्ण क्रांति हो गई तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट, शासन पर 2 निबंध नाम से पत्र लिखा था, अपना निबंध लिखा था एक तरीका से यो मानो। और उसमें किसका समर्थन किया है, लोकतंत्र का समर्थन किया है, संसद का समर्थन किया है, राजतंत्र का उसने खंडन किया है। तो यहाँ और भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ और लिखा है उसने, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडर स्टैंडिंग, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडर स्टैंडिंग, ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये भी 1690 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे दोनों ग्रंथ, टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट्स और ये ह्यूमन अंडर स्टैंडिंग, ये दोनों ही 1690 में प्रकाशित हो गई थी, जिसमें लॉक के राजनीतिक विचारों का विस्तृत वर्णन है और इसमें बताया गया है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही राज्य बना है, समझौता हुआ था व्यक्ति के बीच में और राज्य के बीच में और समझौते से एक सीमित राजतंत्र की स्थापना हो जाती है, ऐसा लॉक ने माना है। जैसा कि हॉब्स ने अपने विचार दिए, ऐसे ही मानव स्वभाव को लेकर के भी लॉक ने अपने विचार दिए हैं, राज की उत्पत्ति के बारे में भी अपने विचार दिए हैं और एक समझौता सिद्धांत भी दिया है कि ये
समझौता हुआ, समझौते से एक राज्य की स्थापना हुई, यानी ये भी एक समझौतावादी विचारक है। जॉन लॉक भी हॉब्स की तरह कैसा विचारक है विद्यार्थियों, समझौतावादी विचारक है। और ये तीन नाम आते हैं इसमें, हॉब्स, लॉक और रूसो। एक विचारक और आएगा रूसो, वो आगे आएगा। तो यहाँ हमने इतना जाना है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई 1688 में, जिसमें राजा के अधिकार कम कर दिए गए, छीन लिए गए और लोकतंत्र की स्थापना आ गई, संसदीय शासन आ गया। और उसके बाद लॉक ने क्या है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अपने ग्रंथ लिखे। साथ ही साथ तो उसमें हमने देखा कि उदारवाद के दो रूप रहे हैं, परंपरागत उदारवाद और एक आधुनिक उदारवाद। परंपरागत उदारवाद का रूप जो रहा है वो रहा है एक तरीका से 16वीं शताब्दी में जो रूप था, 16वीं शताब्दी में जो उदारवाद की जो विचारधारा थी वो परंपरागत है, और 19वीं शताब्दी से जो आज तक का जो रूप है वो आधुनिक उदारवाद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आधुनिक उदारवाद का जो प्रतिपादन मुख्य रूप से जो किया है जॉन लॉक ने किया है, जॉन लॉक एक तरीका से आधुनिक उदारवाद का मुख्य व्याख्याकार रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना ही जाना है कि जॉन लॉक जो था इंग्लैंड का दार्शनिक था, इसने उदारवाद का प्रतिपादन किया है और इसके समय में क्रांति भी थी और लोकतंत्र की स्थापना इंग्लैंड में हो गई। इस प्रकार से जॉन लॉक सीमित राजतंत्र का समर्थक है।